गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वाइज फाइन, दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 18 चैप्टर का पार्ट नंबर 2, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। होप आपको फर्स्ट वीडियो को लेके कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कभी भी किसी भी टाइम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आखिर ये क्या होता है, किस प्रकार से उपयोगी होता है, किस प्रकार से हानिकारक होता है, सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, डाउट को क्लियर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ये किस प्रकार की गैस होती है? ये एक प्रकार की गैस होती है जिनका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है जैसे आपका एयर कंडीशनर है, रिसॉल्स हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों में इनका यूज़ किया जाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम शॉर्ट में CFC कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको शॉर्ट फॉर्म में CFC बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पुट अप किया जा सकता है कि क्लोरोफ्लोर को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन आ सकता है कि CFC बोलते हैं या फिर CFS बोलते हैं या CCF बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा CFC। ओके, किस प्रकार से CFC हानिकारक है ये और समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं, मतलब हानिकारक जो भी पराबैंगनी किरणें होती हैं, तो वो उससे हमें बचाती हैं। ओजोन परत काफ़ी बार उसमें छिद्र भी हो जाते हैं। CFC का यूज़ आपको बहुत ही कम करना चाहिए, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है बहुत ही अच्छे से। अब अगर जानना चाहे ये कुछ ताजमहल के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार से धीरे धीरे इसकी जो कंडीशन है वो कार होती जा रही है, इसका ये पीला पड़ता जा रहा है। क्यों ये हो रहा है? अम्ल वर्षा की वजह से। और अम्ल वर्षा क्या है ये आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको काफ़ी वीडियो में बता भी चुकी हूँ। तो आपको पता है कि अम्ल वर्षा क्या है, इसके बारे में फिर से पढ़ लेते हैं। मतलब जो डीजल होता है, डीजल और पेट्रोल को जब जलाया जाता है तो इनका उपयोग किसमें किया जाता है? वाहनों को ऊर्जा देने में किया जाता है। मतलब वाहनों को, ये क्या होता है, एक जीवाश्म ईंधन है। तब वाहन चलते हैं तो इनसे क्या निकलता है? धुआं निकलता है। और धुएं में क्या होता है, काफ़ी छोटे छोटे कण जो होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। कण इतने छोटे होते हैं कि हमें खुली आंखों से वो दिखाई नहीं देते। अगर चश्मा भी लगा लिया ना तो भी नहीं दिखाई देने वाले। तो इसका तब एक ही रूप निकलता है, धुआं काले रंग का दिखाई देता है। काले रंग का धुआं मतलब इसमें कणों की उपस्थिति हो चुकी है, ये आपको समझ लेना है। अब ये कण जो होते हैं ये वही कण होते हैं जो सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा होती है ना उसको पकड़े रखते हैं। सूर्य मतलब सौर परिवार को ऊर्जा देने वाला, ठीक है, सूर्य मतलब सौर परिवार को ऊर्जा देने वाला सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। और उनसे आने वाली जो किरणें होती हैं वो कुछ हद तक अवशोषित हैं, मतलब पृथ्वी से, ये आप यहाँ पे समझ लेना है। अगर ताजमहल के बारे में बात करी जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या होता है, जो कारखानों से निकलने वाला जो भी धुआं है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, क्या होता है इसमें कि जब भी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं तो इससे होता क्या है ये आपको समझ लेना है। तो विभिन्न प्रकार के धुएँ जब पानी के साथ मिलते हैं, मतलब वायुमंडल में रिलीज किए गए जो भी कण है वो वायुमंडल में क्या होता है, जलवाष्प होता है। और देन वो बारिश भी होती है, तब बारिश होती है तो गर्म हवाएं क्या करती हैं, वाष्प बन के ऊपर की ओर उड़ने लगती हैं। वो पदार्थ जो जलवाष्प के साथ मिल जाते हैं और जो पानी की वर्षा का रूप होता है वो शुद्ध होता है। लेकिन तब वो पानी आता है यहाँ पे, तब बारिश होती है तो वो अशुद्ध हो जाता है पानी। कैसे? क्योंकि उसमें कणों की उपस्थिति हो जाती है और उत्पन्न होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या उत्पन्न होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें उत्पन्न होता है। और यही जो एसिड होता है ये ऊपर गिरती है तो हमारी बॉडी जलने लगती है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अगर मिट्टी पे गिरी तो ये सोच लीजिए कि मिट्टी की जो भी उर्वरक क्षमता है ये उसको छीन लेती है। किसी भी इमारत पे गिरी तो उसको बर्बाद ही कर देती है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है। उसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है ताजमहल। ताजमहल को ही ले लीजिए, ताजमहल बना हुआ है संगमरमर पत्थरों का, ठीक है। ताजमहल जो काफ़ी सफ़ेद होता है संगमरमर, और ये एसिड रेन जो होती है ना तो इसको पीला कर देती है। ये आप काफ़ी बार इसको देख चुके हैं, अगर आप रिसेंटली में वहाँ से हो गए हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा। इसके काफ़ी सारे उपाय भी करे जा रहे हैं, इस बात को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। तो आप होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। अब है आपका पौधा घर प्रभाव। आखिर ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता है यदि आप क्या करते किसी नर्सरी में गए होंगे आप लोग, मतलब जो भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पौधों को किस प्रकार से बड़ा किया जाता है और किस प्रकार से उनकी देखभाल की जाती है। सूर्य की जो ऊष्मा होती है ना वो पौधों के घर के एक तरीके से उसमें प्रवेश करा दी जाती है।
और अगर बोला जाए तो इससे बाहर जो वो नए ही निकल पाती है एक तरीके से। ऊष्मा पौधा घर जैसे गर्म करती है और पृथ्वी जो वायुमंडल है उसके द्वारा रोके गए जो भी एक तरीके से विकिरण होते हैं तो यही कार्य करते हैं। और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, मतलब पौधों का प्रभाव बोलते हैं। आपको पता है कि किस प्रकार से सल्फर के जो कण होते हैं वो हमारे वायुमंडल में ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब उनका जो इक्वल होता है CO2 वगैरह, तो लेकिन कैसे फिर भी ऐसा हो जाता है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि जो भी विभिन्न प्रकार के जो भी क्रियाकलाप होते हैं जिससे वायुमंडल में क्या होता है CO2 एक तरीके से निर्मोचन होती है और पौधे प्रकाश संश्लेषण से CO2 का यूज़ करते हैं और वायु में CO2 की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन वन का उन्मूलन हम कर रहे हैं, वृक्षों को हम कंटिन्यू काटते हैं, लेकिन वृक्षों को काटने की जगह कभी उनके स्थान पे हम दूसरे वृक्ष रोपण करते हैं तो बिल्कुल नहीं करते हैं, होता है या नहीं होता है ऐसा, जिससे वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा है वो बढ़ती ही जाती है। और इस प्रकार से जो भी मानवीय क्रियाकलाप होते हैं वायुमंडल में CO2 का संचय में योगदान देते हैं तो क्या होता है CO2 ऊष्मा को रोक लेती है और वायुमंडल में नहीं जाने देती और परिणाम स्वरूप वायुमंडल का जो भी औसत ताप है वो निरंतर वृद्धि होती रहती है और इसीलिए विश्व एक तरीके से उष्णन हम इसे बोलते हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हम इसको बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में इसको लेके क्लियर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इस वायुमंडल में जो भी प्रदूषण है उसको रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहने वाला है कि क्या किया जा सकता है, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में तुरंत क्लियर कीजिएगा और NCERT को काफ़ी अच्छे से पढ़ो। देखो रीडिंग नहीं लगानी है, NCERT की रीडिंग तो बिल्कुल नहीं लगानी है, रीडिंग तो हर कोई लगा सकता है, लेकिन आपको समझ के पढ़ना है। समझ के ऐसे पढ़ना है कि सामने वाला बंदा आपसे अगर पूछता है, आप बोल रहे हो कि मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आपसे सामने वाला बंदा बोले कि NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने NCERT को रीड किया, तो आप बोलेंगे हाँ मैंने तो 5 times को रीड कर लिया, 6 times रीड कर लिया। तो बंदा पूछेगा कि आपको अच्छा रीड कर लिया तो आपको क्वेश्चन पता है, फिर आप बोलोगे नहीं एक बार रिवीजन और कर लेते हैं, तो आप ऐसा पढ़ो कि आपको रिवीजन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप उसको 3-4 times पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ऐसा समझ के पढ़ो कि आपके माइंड में सारे टॉपिक फिट हो जाएं और आपको दोबारा रीड करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप उसको तब भी पढ़े ना, फर्स्ट चैप्टर क्लियर किया, फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन बार बार करते गए तो आपकी काफ़ी अच्छे से स्टडी होगी और आपका काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन चलती जाएगी और आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब बहुत ईजीली दे सकते हैं। तो इसीलिए आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, रट्टाफिकेशन हम भूल जाते हैं, समझा हुआ काफ़ी अच्छे से याद रहता है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। काफ़ी अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर करूँगी। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।